जन्म तुम्हारे
जन्म तुम्हारे लेके ए 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 जन्म जन्म तुम्हारे लेके ए जन्म तुम्हारे लेके बहुत जन्म बिछड़े थे मानो ए जन्म तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे लेके बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे लेके बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे लेके भटकता रहा एक दिन उस सतगुरु ने मुझे दर पे बुला लिया अपना बना लिया अपना बना लिया दर पे बुला लिया दर पे बुला लिया अपना बना लिया और मैंने अर्ज किया बिगड़ी मेरी तकदीर को बिगड़ी मेरी तकदीर को तूने बनाना है घर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है बिगड़ी मेरी तकदीर को तूने बनाना है दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है हमें अपना बना लो चरणों से लगा लो हमें अपना बना लो चरणों से लगा लो मुझे कितने सालों से आते रहे संदेशे मुझे कितने सालों से उलझा रहा मैं हरदम अपने ख्यालों में उलझा रहा मैं हरदम अपने ख्यालों में सच्चा तेरा दरबार है तेरा दरबार है बेदर्द जमाना है दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है बिगड़ी मेरी तकदीर को तूने बनाना है
डर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है। हमें अपना बना लो, चरणों से लगा लो। हमें अपना बना लो, चरणों से लगा लो। नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साध संगत जी, मंजरी आंटी, राजीव अंकल, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का,
मल्टीलिंगुअल पेज की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू साक्षी आंटी, ओवर टू यू साक्षी आंटी। जय गुरु जी। शुड वी स्टार्ट अंकल? अंकल वन मिनट, सुदीप तो अंकल, सुदीप तो अंकल सखी आंटी को कोच बना दीजिए प्लीज। जय गुरु जी, नमस्ते गुरु जी, नमस्ते संगत जी। शुक्राना महाराज, शुक्राना फॉर द ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर यू मंजरी मंजरी भाभी एंड राजीव भैया। आई डोंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल सेकंड एंड इट्स ऑल ओवर टू यू। जय गुरु जी, शुक्राना महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज इस मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर सत्संग करने का गुरुजी ने एक मौका दिया है, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज को प्रणाम और सारी संगत को हमारे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी के साथ जो जर्नी शुरू हुई 2005 में मेरी एंड मंजरी वॉज कनेक्टेड इवन अ डेकेड बिफोर दैट, बट मैं कनेक्ट हुआ अपने मैरिज के बाद। और गुरुजी को जैसे ही मैं गुरुजी के सामने पहुंचा, मैंने उनको पहचाना नहीं। और क्योंकि हमारी धारणाएं गुरुजी को चोला पहने हुए और क्या कहते हैं कि एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी और बहुत ऐसे विचार मन में, और मैंने मंजरी से पूछा कि कौन है गुरुजी, कहाँ हैं? उन्होंने बोला यहीं तो हैं। एंड गुरुजी सामने थे और उन्होंने, इससे पहले कि मैंने ये सोचा कि इनके चरण छुए जाएं, क्योंकि ये इनके गुरु हैं तो आदरणीय हैं, इससे पहले कि मैं उनके चरण छू पाता, गुरुजी ने अपना हाथ मेरे आगे कर दिया और हाथ मिलाया मुझे, कहते आओ जोशी वकील। उस टाइम पे इस चीज़ की अहमियत तो नहीं पता चली, बट गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया और बहुत बख्शिशें महाराज ने बख्शी। उनको समझने में बहुत टाइम लगा और आज इतना लंबा सत्संग सुनाने का ना तो समय ही है, और मंजरी भी आज मेरे साथ है। फॉर्चुनेटली पिछले कुछ सत्संग मैं अकेला ही कर रहा था, और इसलिए गुरुजी हर आने वाली प्रॉब्लम का भी ध्यान रखते हैं ज़िंदगी में हमारी सबकी, और हम सबको एक प्रोटेक्शन में रखे हुए हैं, वो हमें धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता समझ आता है। एक ब्रीफ राउंड अप मैं दे देता हूँ। गुरुजी के पास जब गया हूँ तो बहुत आई वॉज अ बैग फुल ऑफ डाउट्स, और बहुत बार मैं ये सत्संग कर चुका कि कैसे मेरी मुलाकात वहाँ पे, बहुत संगत ने मुझे मेरे साथ सत्संग किए एंड यूज टू से कि ये भगवान है, ही इज़ गॉड। एंड विश्वास करना बहुत कठिन था गुरुजी को एक ह्यूमन फॉर्म में अपने सामने देख के, एंड कुछ तो
भ्रमित किया हुआ था माया ने भी हमें, और फिर कैसे कैसे मतलब मैं मेरे को गुरुजी डायरेक्ट करते रहे, ऑब्वियसली उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, और इम्पोर्टेड अंकल से मैंने जाना कि कैसे एक यूएस सिटीज़न जो हैं उन्होंने मतलब गुरुजी ने सिर्फ एक उनको एक बार बोल के ही कि उनका कैसे जो ओबीज थे उनका वेट रिड्यूस हो गया, विच वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। एंड और बहुत सारे लोग जो कहते थे कि चुटकी बजा के ही गुरुजी तो ऐसे कर देते, गुरुजी ने एक बार बोल देना कि जा ठीक करता, जा ऑपरेशन करता तेरा, एंड किसी का वहाँ कैंसर ठीक हो गया, किसी का वहाँ हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो गई, किसी का कुछ ठीक हो गया, किसी का कुछ ठीक हो गया। मतलब ये तो सत्संग इतने संगत सुना चुकी है, इतने संगत बता चुकी है, और मेरा खुद का एक बार गुरुजी का मुझे और मेरी फैमिली को, मंजरी को और मैं हमारे कुछ रिलेटिव्स को दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट से खींच करके लाना अपनी शरण में, और हम बिल्कुल बॉम्ब ब्लास्ट वाली साइड पे होते हुए भी कैसे हम मात्र वहाँ से कुछ मिनट पहले ही वहाँ से निकले और गुरुजी के शरण में गुरुजी के छोटे मंदिर के बाहर जाके बैठ गए, और वहाँ हमने टाइम स्पेंड किया, और जब हम वहाँ आ गए तो देखा पीछे से मतलब इतनी वहाँ पे नुकसान हुआ, इतनी जाने गई, गुरुजी ने कैसे महाराज ने ज़िंदगी बचाई ये भी सत्संग सुनाया, और कैसे मंजरी के दो मिसकैरेजेस हुए, और उसके बाद हमारी लाइफ में इनिशियली जो वी वर स्ट्रगलिंग एंड वी वर रियली डिप्रेस्ड फॉर अ चाइल्ड एंड हाउ गुरुजी ब्लेस्ड अस विद विद टू ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, दैट इज़ आल्सो अ सत्संग, और ये सब सत्संग मैंने सुनाए ही। बट आज शॉर्ट में मैं एक सत्संग यही सुनाता हूँ जो लेटेस्ट हमारे साथ अभी हुआ ही है हाल ही में। इट वाज द मंथ ऑफ जून, और मुझे ये लग रहा था कि मम्मा पापा से काफ़ी मिले हुए देर हो गई, तो हम चले गए वहाँ, और मम्मा पापा से तो मिले, बट व्हेन वी वर कमिंग बैक दो तीन दिन वहाँ रह करके तो एक अजीब सी मुझे फीलिंग आई, बट चलो व्हेनेवर गुरुजी इज़ अराउंड, व्हेनेवर व्हेनेवर ही इज़ यू नो ही एक्सटेंड्स हिज प्रोटेक्शन एवरीवेयर, सो वी डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट एनीथिंग। There was an invitation for satsang and एक मुझे मौका मिला गुरुजी का सत्संग करने का, और वो सत्संग was supposed to be not a very long one but a short one, लेकिन वो extend हो गया बहुत ज़्यादा सत्संग, मतलब करता 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 मुझे पता ही नहीं चला कि कितना लंबा सत्संग हो गया वो, और मुझे खुद भी ये हैरानगी हुई कि मतलब बहुत गुरुजी ने क्या क्या बुलवाना था गुरुजी ने बुलवाया। आफ्टर दैट जब वो सत्संग ख़त्म हुआ तो मुझे एक अंदर से थोड़ा आभास हुआ कि कुछ प्रॉब्लम आने वाली है जिसका गुरुजी निवारण कर रहे हैं, बहुत सत्संग करवा रहे हैं। मैं जनरली गुरुजी मुझे नास्तिक ही बुलाते थे, मैं भी अपने आप को नास्तिक ही मानता हूँ, तो बहुत ज़्यादा तो मैं सत्संग सुनने और करने वाला हूँ नहीं, कुछ हमारे संगत के मेंबर्स बहुत ही सिंसियर हैं, माय सिस्टर सखी इज़ आल्सो अमंग देम, बहुत भेजती रहती है वो, तो हम सोच ही रहे थे ये चीज़ के ज़रूर कोई ना कोई दिक्कत है आसपास जिसका गुरुजी निवारण कर रहे हैं, और वो दिक्कत सामने आई बड़ी जल्दी जब व्हेन माय मदर फेल सिक एंड आई रियलाइज दैट समथिंग इज नॉट फाइन विद हर, यू नो ऑन द फोर्थ फिफ्थ डे जब उनको फीवर हुआ तो वी वेंट फॉर हर टेस्ट एंड वी केम टू नो दैट शी वाज कोविड पॉजिटिव, एंड माय फादर वाज रियली
sentimental about it, and she wasn't getting proper medical attention, which was my main concern. तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि इनको प्रॉपर मेडिकल अटेंशन भी मिल जाए, इनको प्रॉपर मेडिसिन भी मिल जाए. लेकिन उसी दौरान बिकॉज आई स्टे इन चंडीगढ़ एंड शी इज़ इन डिस्ट्रिक्ट जलंधर, तो उधर से कामकाज भी स्टार्ट होने वाला था, कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट होने वाली थी, हाई कोर्ट भी दो महीने बाद खुल रही थी. तो आई हैड अ लॉट टू मैनेज बिटवीन वर्क एंड बिटवीन दिस थिंग. तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं हमारे घर में, तो वो भी बहुत टाइम टू टाइम कॉल करते रहते हैं कि ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ. बट माई फादर वॉज अ लिटिल एडमेंट बिकॉज ही ऑलवेज वेज द थिंग्स एज पर हिज ओन अंडरस्टैंडिंग. एंड And I was very stressed those days, and रात को कई बार नींद भी नहीं आती थी अच्छे से. And but always know that Guruji is around, Guruji will take care of everything. And he was taking care because in those days when I was going through a lot, बहुत से सत्संग करवाए गुरुजी ने. इवन किसी से फोन पे भी बात होती थी तो वो सत्संग शुरू हो जाता था कोई ना कोई. अगर कोई वैसे बात करता था तो गुरुजी का सत्संग शुरू हो जाता था. एंड आई रियलाइज दैट गुरुजी प्रोबेबली वांट्स टू ब्लेस मी एंड माय फैमिली एंड ही वांट्स टू टेक द बर्डन ऑफ. एंड ये मुझे फील हो रहा था. एंड उन्हीं दिनों सखी ने मुझे पूछा कि एक साथ सत्संग करना है एंड इट विल बी 6 AM इन द मॉर्निंग, भैया क्या आप करोगे. तो आई वॉज नॉट मेंटली वेरी प्रिपेयर्ड फॉर इट बिकॉज ऑफ द हैपनिंग्स बैक होम. बट एनी वेज आई टुक इट लाइक दैट कि गुरु जी ने कल्याण करना है, शायद गुरु जी इसीलिए कर रहे हैं. एंड दैट वॉज द टाइम एंड मामा हैड बिन शिफ्ट टू द हॉस्पिटल. And her reports were not very good. We were not very happy. The doctors were a little, keeping her under observation. She wasn't that serious. She was pretty okay, pretty fine, pretty normal. But with the kind of other things and the medical record that she had, we were a little worried about her. And तो मुझे लगता नहीं था कि मैं कुछ बोल पाऊँगा, सत्संग कर भी पाऊँगा मैं या नहीं कर पाऊँगा. Things were difficult, but then my sister says, Sakhi says, ke bhaiya, koi baat nahi, aap chinta na karo, maybe it will be a shukrana satsang after 4 days. And I said, okay, fine. Ab jis din, and that was the fourth day, satsang kiya subhe. Hardly half an hour का सत्संग हुआ. एंड बाय दैट टाइम गुरुजी जैसे सारा कुछ एमिलियोरेट करते हैं अपने तरीके से, सत्संग करने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, और दवाइयाँ जा ही रही हैं अंदर, सब कुछ हो रहा है, बट जो असली मेडिसिन है वो गुरुजी के पास ही है. हम लोग तो यही इसी भ्रम में हैं कि हमने वैक्सीन ले लिया, हमने ये ले लिया, हमने वो ले लिया, दैट चलो द डॉक्टर्स हैव टू टेक केयर ऑफ देयर, दे हैव टू डू देयर ड्यूटीज, बट द रियल मेडिसिन लाइज विद हिम. एंड दैट डे शी स्टार्ट टू रिस्पॉन्ड वेल टू द मेडिसिन एंड हर रिकॉर्ड वाज शोइंग अ लिटिल इम्प्रूवमेंट एंड द पैरामीटर्स केम डाउन. The doctors gave me very positive response. In fact, the doctor called me up to say that bahut hi good news thi that the infections had fallen back, piche aa gayi thi, and she would soon be discharged. Jo sunke mujhe badi khushi bhi hui. Kafi mujhe is cheez ka, ye mujhe jo pichle 7-8-10 din गए, मुझे बहुत ही ये हैरत अंगेज बात, मैं ये सोच रहा हूँ इन्हीं दिनों हमारी एक और संगत सिस्टर फ्रॉम चंडीगढ़ इटसेल्फ, शी आल्सो केम. ऑल्दो हमने कुछ लीगल ही डिस्कस करना था दोनों ने, और हमने वो डिस्कशन की. उसके बाद हम
यू नो वेन एवर शी वुड कम टू आवर प्लेस, तो हो ही नहीं सकता कि गुरुजी की बात ना हो, गुरुजी की बात ना चले. तो सत्संग शुरू हो गया. और मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ ड्यूरिंग ऑल दोज डेज आई वॉज ऑल अलोन, मंजरी वॉज नॉट हेयर एंड आई वॉज ऑल अलोन एंड आई वॉज रियलाइजिंग दिस दैट गुरुजी प्रोबेबली इज मेकिंग मी डू ऑल दी सत्संग बिकॉज ही इज ब्लेसिंग माई फैमिली, ही इज ब्लेसिंग माई पेरेंट्स, ही इज ब्लेसिंग एवरीबडी अराउंड अस. एंड उन्होंने इतना मुझे कॉन्फिडेंस दे के रखा और इतना मुझे एक सेंस ऑफ अश्योरेंस दे के रखी. ऑल्दो मेनी रिलेटिव्स अराउंड वर ब्रेकिंग डाउन बिकॉज ऑब्वियसली ड्यू टू द सिनेरियो दिस डिजीज हैज क्रिएटेड इन दिस पर्टिकुलर टाइम, बट I was pretty sure that Guruji Maharaj will take us out of this, and he does, and he did it in no time actually. Yes, the disease leaves one very weak, but I'm sure Guruji will take care of that also. और गुरुजी ने उन दिनों इतने सत्संग करवाए और दिन रात कभी बात भी होती थी तो गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का सत्संग. एंड रात को भी जब नींद नहीं आती थी तो मतलब ध्यान कई बार ऐसे ही रहता था कि गुरुजी की तरफ ही ध्यान रहता. प्रोबेबली इट वाज द मेडिसिन एक्चुअली गुरुजी वाज गिविंग. तो एक ऐसी चीज़ जो मतलब यू नो हमें ऐसे लगा कि बहुत ही एक चैलेंज बन के आई हमारे लिए. सो माई मॉम वॉज डिस्चार्ज आफ्टर फ्यू डेज एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द रिकवरी वॉज गुड एंड ऑल द पैरामीटर्स वर गुड एंड आई एम श्योर कि गुरुजी विल ब्लेस हर विद गुड हेल्थ. सो सत्संग मैंने जो पिछले हफ्ते में किए वो सारे इसी दौरान इसी चीज़ के बीच में मैंने वो सब किए. दिस इज़ द लेटेस्ट थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर. अपार्ट फ्रॉम दैट और बहुत सत्संग्स हैं और लेकिन हम सब गुरुजी के एक प्रोटेक्शन में रहते हैं. गुरुजी का एक हेलो हमारे अराउंड, हम सारी संगत के अराउंड है. वी आर ऑल वेरी ब्लेस्ड दैट ही इज़ विद अस. हम ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते और हम बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम रियलाइज़ ही नहीं करते और जितना भी हम शुक्राना करें मालिक का वो कम है. तो आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम माई बेटर हाफ इज़ बैक टूडे एंड शी विल कंटिन्यू द हर सत्संग नाउ. जय गुरु जी महाराज. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना. एक बार फिर से सत्संग शेयर करने का मौका दिया. गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत जी को प्रणाम. गुरु जी को फिजिकल गुरु जी के दर्शन फर्स्ट टाइम 1996 में किए थे. आई वॉज अ स्कूल गोइंग गर्ल देन. उस समय इतनी समझ नहीं थी और फर्स्ट टाइम जब गुरु जी के पास गए तो मैं, मेरे मामा और मासी, हम तीनों जने गुरु जी के पास गए थे. उससे पहले मेरे फैमिली में सबसे पहले मेरे मामा जी ब्रिगेडियर सैनी गुरु जी के चरणों में गए थे और उनका भी बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा. जब फर्स्ट टाइम वो गुरुजी के दरबार गए तो उन्होंने गेट बाहर से नॉक किया और पूछा, गुरुजी यहीं रहते हैं? तो जिन्होंने गेट खोला उन्होंने बोला, हाँ जी गुरुजी यहीं रहते हैं. मामा जी ने पूछा कि मिल जाएंगे? उन्होंने बोला हाँ जी मिल जाएंगे. तो उन्होंने पूछा जोड़े कहाँ उतारने हैं? तो उन्होंने बोला इत्थे ला दो, अंदर जाके बैठो. एंड मामा जी फॉलोड और वहाँ जोड़े उतार कर अंदर जाकर बैठ गए. और टू हिज सरप्राइज थोड़ी देर बाद जब गुरुजी आए तो मामा जी रियलाइज्ड कि ये तो वही हैं जिन जिन्होंने बाहर उन्हें गाइड किया था. पहली ही मीटिंग में गुरुजी शोड सच हम्बलनेस, सच ह्यूमिलिटी,
सृष्टि के मालिक, दुनिया के रचयिता, सब सारी दुनिया को चलाने वाले और इतने हम्बल। उसके बाद मामा और मासी के साथ मेरा जाना हुआ, और इस बार बाय चांस जब मैं घर गई तो मैंने अपनी मदर से भी पूछा कि उनका क्या अकाउंट था, उनको क्या याद है फर्स्ट मीटिंग का। तो उन्होंने बताया कि जब फर्स्ट टाइम गए थे तो जब अंदर जाकर बैठे तो उन्होंने थोड़ी देर बाद जब गुरुजी आए उन्होंने कुछ नहीं बताया। गुरुजी ने आते ही बोला, लड़ो लड़ो बीबियो, पागल होने का डर। तो मम्मा कहते हैं वो इतना तेज बोलते थे कि समझ में नहीं आता था, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगा समझने में। एंड देन शी रियलाइज्ड, बिकॉज मेरे मम्मा LLB हैं, लॉयर हैं, तो देन शी रियलाइज्ड कि लड़ो लड़ो बीबियो उनको एड्रेस किया है LLB, और मासी PhD थे तो उनको पागल होने का डर, PhD की फुल फॉर्म गुरुजी ने बनाई हुई थी तो वो उनको एड्रेस किया था। तो उनको दोनों को उस टाइम एकदम से समझ में नहीं आया। गुरुजी ने उस टाइम मेरे मम्मा को बोला था कि तू वकालत करी, कुछ और ना करी। शी फॉरगॉट दैट एंड लेटर ऑन इन लाइफ, कुछ सालों गुरुजी की महासमाधि के कुछ सालों बाद उन्होंने एक अनसक्सेसफुल इलेक्शन कंटेस्ट किया था, और उस टाइम वो भूल गए कि गुरुजी ने लेट, उनको बाद में ध्यान आया कि गुरुजी ने फर्स्ट मीटिंग में मेरे को बोला था कि तू सिर्फ वकालत करी, कुछ और ना करी। मेरे पिताजी गुरुजी को उस समय नहीं मानते थे, और वो हमारा गुरुजी के दरबार जाना पसंद नहीं करते थे। एक बार मेरा और मेरे पिताजी का इसी बात पर कुछ झगड़ा हुआ। मैं गुरुजी के दरबार जाना चाहती थी क्योंकि गुरुजी एक पावरफुल मैग्नेट की तरह है, सोल्स को अट्रैक्ट करते हैं, और वहाँ जाए बिना वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जहाँ इमेंस बहुत ज़्यादा मन की शांति मिलती है, वहाँ जाए बिना बिल्कुल मन ही नहीं लगता था। तो एक बार जब हमारा आपस में थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ, हमारी बहस हुई, वो उन्होंने मुझे जताया कि वो नहीं चाहते हैं कि मैं जाऊँ, और जब मैं ज़िद करके गुरुजी के दरबार गई तो मन बहुत भरा हुआ था, आँखों में से आंसू छलकने को हो रहे थे। तब पहली बार गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में बिठाया और कुछ शब्द चल रहा था और बोला असुन, और मेरा ध्यान शब्द की तरफ बिल्कुल नहीं था। मुझे आज तक नहीं पता कि वो शब्द क्या चल रहा था, क्योंकि मेरा मन भरा हुआ था, मेरे मन में वो घर की ही सारी बात चल रही थी। गुरुजी सब जानी जान, वो थोड़ा सा उन्हें भी मालूम था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा ध्यान ही नहीं है शब्द की तरफ। गुरुजी थोड़ा सा झुके मेरी तरफ नीचे को, और गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए थे, और धीरे से बोले, कमलिए मंदिर की आंधी लोड़ है, मैं तो कर भी तेरे नाल। और इतना सा गुरुजी का कहना था बस, कि छल छल आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, और पिताजी का जो पहले काफ़ी ज़्यादा सख्त मनाई थी वो भी धीरे धीरे नरम पड़ते गए, और गुरुजी के दरबार जाने की आज्ञा मिलनी शुरू हो गई। बीच बीच में शुरुआती दिनों में हम कई बार, जब गुरुजी जलंधर आए हुए थे तो हम कई बार झूठ बोलकर भी गुरुजी के दरबार गए हैं कि हम बाजार जा रहे हैं या कुछ, और हम फटाफट गुरुजी के दरबार चले जाते थे, और माथा टेक कर जैसे ही गुरुजी आते थे माथा टेक के और फटाफट चाय प्रसाद लेकर वापस आ जाते थे। उन दिनों हमने कभी लंगर प्रसाद नहीं किया, और गुरुजी सब जानी जान है, उन्होंने कभी किसी ने हमें कभी नहीं उस समय रोककर बोला कि आप ऐसे नहीं जाएंगे, लंगर प्रसाद लेकर जाएंगे, कभी भी किसी ने नहीं बोला। गुरुजी जानते थे कि हम किस तरीके से आए हैं। 2001 के अराउंड की बात है, मुझे साल अच्छे से याद नहीं है। गुरुजी उस समय जलंधर आए हुए थे कुछ देर के लिए, मेरे नानी माँ को किसी मेडिसिन से रिएक्शन हो गया था, और उन्हें डॉक्टर, उनको जब हॉस्पिटल लेके गए तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था, उनकी पल्स हार्ट बीट बिल्कुल नहीं थी। उनको मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया मामा जी के कहने पर,
इधर मैं गुरुजी के दरबार माथा टेकने गई थी, तो अंकल ने मुझसे पूछा कि जो वहाँ सेवादार अंकल थे उन्होंने पूछा कि आप रो क्यों रहे हो, तो मैंने उन्हें नानी के बारे में बताया और उन्होंने उस गुरुजी जानी जाने लीला करते हैं, गुरुजी ने उनसे पूछा कौन आया सी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे मेरा नाम लेकर कि नानी माँ के बारे में भी बताया। और गुरुजी ने नेक्स्ट डे जब हम मिलिट्री हॉस्पिटल गए तब हमने गुरुजी की एक स्वरूप, छोटा स्वरूप जो गुरुजी का ब्लेस्ड हमें स्वरूप मिला था, वो हमने नानी की शर्ट के साथ पिनअप कर दिया था। रात को हमें वापस भेज दिया गया कि आईसीयू में किसी को भी अलाउड नहीं है, उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। और नेक्स्ट डे जब हम उनको देखने गए तो डॉक्टर ने बोला कि ये शायद जिनका आपने स्वरूप लगाया है इन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं, जब आप इनको लेकर आए थे तो तब कोई पल्स कोई हार्ट बीट कुछ भी नहीं था, और रात को 12 बजे के बाद इनके सारे वाइटल्स पल्स हार्ट बीट सब कुछ नॉर्मल आ गया, बीपी सब नॉर्मल हो गया। और जब गुरुजी के दरबार शुक्राना करने के लिए गई तो उन अंकल ने मेरे बोलने से पहले ही बताया कि गुरुजी ने कल क्या सी जामंजरी दी नानी नू 5 साल देते, और माय नानी लिव्ड एग्जैक्टली फॉर 5 ईयर्स। गुरुजी ने मेरा नेम चेंज किया था, इट वॉज बिफोर माय मैरिज। गुरुजी के दरबार गई और गुरुजी ने नाम का अर्थ पूछा, जो पुराना नाम था तो उसका कोई अर्थ नहीं था। मैंने उनसे बोला गुरुजी इसका कोई मतलब नहीं है। गुरुजी ने भाई का बहन का सबका नाम पूछा और गुरुजी ने बोला तेरा नाम बदल देना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो 2-3 दिन बाद गुरुजी ने मुझे बोला जा तू अपना नाम मंजरी रख ला। उस समय मैंने आकर सबको बोल दिया कि गुरुजी ने मेरा नाम मंजरी रखा है तो आप सब मुझे मंजरी कहिए, लेकिन मैंने उसको अपने डॉक्यूमेंट्स में कभी चेंज नहीं किया, ना ही कभी उसको ऑफिशियली चेंज किया। 2013 में एक संगत घर में आए और उन्होंने बोला कि आपका नाम जो बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है वो है, या जो मेरी मदर इन लॉ आपको मंजरी बोलती हैं बाहर बोर्ड पे कुछ और लिखा हुआ है, ये कन्फ्यूजन क्यों है? तो मैंने उन्हें बताया गुरुजी ने मेरा नाम मंजरी रखा है लेकिन मैंने उसको ऑफिशियली नहीं चेंज किया, तो मुझे अपने प्रोफेशन में अपना पुराना नाम ही यूज़ करना पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपने आपको गुरुजी ने बोला था नाम चेंज करने के लिए तो आपको करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी गुरुजी की महासमाधि के बाद ये गिल्ट फीलिंग थी कि गुरुजी ने मेरे को बोला है नेम चेंज करने के लिए और मैंने किया नहीं है। गुरुजी ने मुझे 2 चीज़ें बोली थी, एक गुरुजी ने मुझसे पूछा था कि तू ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ी है, और मैंने कहा था गुरुजी नहीं पढ़ी, एंड गुरुजी सेड तू पढ़ी, और उस समय मैंने वो बुक लेकर कुछ पन्ने पढ़कर बंद करके रख दी थी ये सोचकर कि बाद में पढ़ूंगी, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रही और कुछ टफ भी लगी थी। और दूसरा गुरुजी ने मुझे नाम बदलने के लिए बोला था, वो मैंने ऑफिशियली नहीं किया था। तो इन 2 चीज़ों का कहीं ना कहीं मन में मलाल था कि मैंने आज्ञा नहीं फॉलो की है। तो 2013 में मैंने बार काउंसिल के ऑफिस में जाके पूछा कि अगर मुझे नाम चेंज करना है तो क्या प्रोसीजर है, तो उन्होंने मुझे एक बड़ा आसान सा प्रोसीजर बताया जिसे मैंने फॉलो किया, और मैंने सोचा कि अगर ये इतना ईजी था तो मुझे ये पहले ही कर लेना चाहिए था। लेकिन जब जैसे उन्होंने कहा था वो सब करके जब मैं उनके ऑफिस पहुंची तो उन्होंने मुझे बोला कि जब तक आप अपना 10th का सर्टिफिकेट नहीं चेंज कराएंगे हम तो नहीं चेंज करेंगे यहाँ पर। और मैंने सोचा था कि प्रोफेशन में चेंज हो जाएगा तो मुझे और कहीं कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई और डॉक्यूमेंट बाद में काम नहीं आएंगे। अब 10th का सर्टिफिकेट चेंज कराना बहुत मुश्किल था, झगड़ा किया उनसे, वापस आ गई, उन्होंने फिर दोबारा गई पूछने के लिए कि आपने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया, अगर पहले बताया होता तो शायद मैं फिर दोबारा सोचती नाम बदलूं या नहीं बदलूं।
शायद यही गुरुजी की इच्छा थी, उन्हें पता था कि अगर मुझे पहले पता चल जाता टेंथ का सर्टिफिकेट भी चेंज कराना पड़ेगा तो शायद मैं फिर से डाउट में पड़ जाती। वो मुझे पहले बताना ही भूल गए, उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। तभी वहाँ एक सर आए जिन्हें पहले मैंने कभी नहीं देखा था कोर्ट में, और जैसे गुरुजी का सब प्लान था उन्होंने एक फादर की तरह हेल्प करी और मेरा नेम चेंज करवाया। उसके बाद टेंथ के सर्टिफिकेट के लिए जब मैं स्कूल गई तो मेरे पुराने टीचर तब प्रिंसिपल थे। स्कूल जब मैंने पढ़ा था तब हाई स्कूल होता था, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी हो गया था और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग फॉर्म भेजना पड़ता है। फॉर्म पुराना मिल नहीं रहा था और कोई और फॉर्म था नहीं, नए फॉर्म नए स्कूल के न्यू नेम के नए नाम के हिसाब से थे। तो जब बात कर रहे थे मैं और प्रिंसिपल सर, तो एक उनका पीएन जो उस समय जिसने हमारी बात सुनी उस समय वो आया और उसने बोला कि कल मैं स्टोर रूम साफ कर रहा था और मुझे एक पुराना फॉर्म मिला और वो मेरे लिए यूज़ हुआ और तीन नाम चेंज होने के लिए गए, दो रिजेक्ट हो गए और मेरा अप्रूव हो गया। जैसे जब भी पीछे देखती हूँ तो सोचती हूँ कि गुरुजी ने कैसे प्लान किया हुआ था सब कुछ। अगर वो एक दिन पहले स्टोर रूम साफ नहीं करता तो उसे वो फॉर्म नहीं मिलता और एक दिन बाद ही मेरा वहाँ जाना सोच के परे है, ये सब गुरुजी का ही प्लान है। इसी तरह गुरुजी ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके, ऐसे लगता था, ऐसे प्रतीत हुआ मुझे कि जैसे गुरुजी ने किसी ना किसी की ड्यूटी लगा रखी हुई है। कई बार कुछ जाने पहचाने लोग और कई बार अनजाने लोग, सब कुछ चेंज कराने के लिए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। 2005 में राजीव के पेरेंट्स से जब मेरे पेरेंट्स की बात हो रही थी तो पिताजी को उस समय पता था कि जब तक गुरुजी हाँ नहीं करेंगे ये शादी नहीं होएगी। पापा सबसे पहले गुरुजी के दरबार गुरुजी से आज्ञा लेने पहुँचे राजीव की फोटो लेकर। अगले दिन गुरुजी ने बोला हाजिरियाँ भरो। अगले दिन दो तीन दिन बाद मामा से उन्होंने पूछा कि आप दिखाइए, फोटो दिखाइए। जब उन्होंने फोटो दिखाई तो गुरुजी ने मेरे फादर इन लॉ का नाम पूछा और बोला अच्छा वो जोशी एससी। तो मेरे मामा ने बोला नहीं जी वो एक्सीएन, मेरे फादर इन लॉ पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर्ड है। तो उस समय वो सर्विस में थे तो मामा ने बोला नहीं जी वो एक्सीएन। तो गुरुजी ने जस्ट एक स्माइल दी और जब बात हुई हमारी तो मैंने राजीव को बताया कि पापा ना ऐसी रिटायर होंगे। तो इवन मेरे फादर इन लॉ वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनकी प्रमोशन हो जाएगी क्योंकि उनकी दो महीने बाद रिटायरमेंट थी और जो सर्विस में होते हैं उन्हें सब मालूम होता है कि उनकी सीनियोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंगली उनकी कहाँ पोजीशन है। लेकिन जैसे कि गुरुजी ने एक कैजुअल रिमार्क ही दिया था और गुरुजी का दिया हुआ एक कैजुअल सा रिमार्क भी, एक छोटा सा रिमार्क भी पत्थर पे लकीर। गुरुजी के एज फोरटोल्ड बाय गुरुजी मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो ऐसे रिटायर हुए। शादी से पहले गुरुजी के दरबार गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने कार्ड लेकर गई थी और उस समय मेरी और मेरे ब्रदर की बहुत इस बात पर कुछ बहस होती थी कि एक नया फ़ोन जो मैंने शादी से जस्ट दो तीन महीने पहले ही लिया था उसको कौन यूज़ करेगा। तो मेरे भाई का कहना था कि अब आप अपने नए उधर जाकर अपना नया फ़ोन लो, ये फ़ोन आप यहीं छोड़ कर जाओ। और मैं उसको हमेशा यही बोलती थी कि ये फ़ोन मैं साथ में लेकर जाऊंगी। तो गुरुजी के दरबार जब मैं माथा टेकने गई और गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने गई तो वापस आने से पहले गुरुजी ने मुझे बोला मंजरी। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, अपना फ़ोन अपने प्राणों दे के जाई। एंड आई वॉज अगेन अमेज्ड कि हम छोटी छोटी बात भी जो घर में करते हैं या कुछ भी
कैसे इनको पता चल जाता है, हाउ डज ही नो कि क्या बात हो रही है, कहाँ हो रही है? और उस समय जैसे एक पर्दा पड़ा हुआ था बुद्धि पर कि कभी समझ ही नहीं पाए कि हम तो महाशिव के चरणों में बैठे हैं, दुनिया के मालिक के चरणों में बैठे हैं। कभी ये मन में आया ही नहीं, बस इतना पता था कि बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के दरबार जाकर, और एक मन को ये तसल्ली थी कि कुछ भी हो जाए बस भाग के गुरुजी के पास चले जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कुछ भी गलत होगा तो गुरुजी उसे कुछ भी हो ठीक कर देंगे उसको, बस एक ये तसल्ली थी। कभी ये नहीं दिमाग में आया कि हम तो ऑलमाइटी के मालिक के उस परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं। शादी के बाद मेरे दो मिसकैरेजेस हुए, बहुत ज़्यादा उदास और डिप्रेस थी। जितने टेस्ट्स और जितनी गायनीज चेंज करी, हर बार नया टेस्ट, सारे टेस्ट्स बिल्कुल ठीक। हर बार सोचती थी इस बार गुरुजी के पास जाऊंगी तो ज़रूर पूछूंगी, लेकिन गुरुजी के दरबार जाके भूल ही जाता था, बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो जाता था। और बाहर आके याद आता था कि मुझे तो ये पूछना था, मैंने पूछा नहीं। दो तीन बार ऐसे हुआ गुरुजी के दरबार गई कि इस बार ज़रूर पूछूंगी, लेकिन हर बार भूल गई। ये 13 जनवरी 2007 की बात है, हम चंडीगढ़ से जलंधर जा रहे थे, बला चौर के पास एक आर्ग्यूमेंट हुई और मैंने राजव से कहा कि आई डोंट थिंक कि मुझे नहीं लगता कि ये ज़िंदगी जीने लायक है। और मन में कुछ गलत ख्याल आए, इससे पहले कि मैं कुछ गलत एक्शन लेती, मेरा फ़ोन जो कि डैशबोर्ड पे पड़ा था एकदम से बजा, और उधर से मेरे मामा जी बोले कि हम गुरुजी के चरणों में बैठे हैं और गुरुजी ने बोला है कि आप अभी बाहर जाके मंजरी को फ़ोन करो और उसको बोलो कि सब ठीक है, घबराए नहीं, सब ठीक होगा। और उन्होंने जो भी गुरुजी ने मुझे करने के लिए बोला था उन्होंने मुझे वो बताया और बोला कि आप ये करिए, गुरुजी ने बोला है कि सब कुछ ठीक होगा। अगेन मन में वही सवाल आया, आँखों में आंसू और मन में वही बात कि वो इतना प्यार करते हैं, हम कहाँ बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, सब उनको पता है, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। उनको इसीलिए हम मालिक कहते हैं बिकॉज वो हर पल हमारे साथ हैं। और बाद में पता चला गुरुजी ने उनसे पूछा था कि मंजरी ठीक है, उनको मालूम था मेरे मन में क्या ख्याल चल रहे हैं और किसी और को नहीं पता था। और उन्होंने बोला हाँ जी ठीक है, कितने है, चंडीगढ़ है। गुरुजी को पता था मैं चंडीगढ़ से जलंधर जा रही हूँ। गुरुजी की कृपा से 2008 में और 10 में गुरुजी ने मुझे दो बेटे ब्लेस किए। मेरा बड़ा वाला बेटा हमेशा ही मुझसे ये पूछता था कि मैंने गुरुजी को क्यों नहीं देखा, हम गुरुजी के महासमाधि लेने के बाद क्यों आए, मुझे भी गुरुजी को देखना है। तो मैं उसे हमेशा यही बोलती थी कि जब गुरुजी की इच्छा होगी तब गुरुजी आपको खुद ही दर्शन दे देंगे। एक बार वो बहुत बीमार था, फीवर बहुत हाई था, उसको पूरे बॉडी में दर्द हो रही थी, रात को सोया नहीं था, 2:30-3 बजे के करीब भजन सुनते हुए उसकी आंख लगी तो उसने थोड़ी देर बाद मुझे हिलाया कि मेरे को गुरुजी आए थे, मैंने गुरुजी को देखा। तो उसने मुझे बताया, उसने गुरुजी को किसी संगत के घर जाते थे गुरुजी की संगत में, तो उनके घर में झूला है, उस झूले पे देखा पहले। उसने मुझे बताया कि गुरुजी के अराउंड बहुत सारे स्नेक्स थे और गुरुजी कभी झूले पे थे और वो नीचे बैठा था तो कभी उसके साथ नीचे बैठे हुए थे। तो उसने बोला मम्मा यहाँ से भी बाहर आप देख रहे थे पीछे, फिर उसके बाद मैंने गुरुजी को यहाँ देखा, यहाँ से पीछे थे और हमारे जो
बैक साइड पे जो गार्डन है उसमें थे, और बहुत सारे बैट्स थे। और उसने बोला, गुरुजी ने मुझे उठाया और बोला कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल आ। बस इतना कहना था। उसका जो इतने दिन से फीवर नहीं नीचे आ रहा था, उसका फीवर अगले दिन बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी बॉडी एक्स बिल्कुल ठीक हो गई गुरुजी की कृपा से। वो नेक्स्ट डे बिल्कुल ठीक हो गया। लास्ट टू लास्ट मंथ मेरे मामा को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा कोविड की वजह से। शी वॉज इन क्रिटिकल सिचुएशन। गुरुजी ने मेरे ब्रदर का जैसे सत्संग कराया, मेरे भाई ने कभी सत्संग नहीं किया था किसी भी प्लेटफॉर्म पर, और ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म पर सत्संग करते हुए मेरे मुझसे बोला गया कि वो अपना सत्संग खुद ही सुनाएगा, और बोल तो दिया। उसके बाद मैंने सोचा, मैंने उसको तो पूछा ही नहीं वो सत्संग करेगा या नहीं, ये कैसे बोल दिया, मैंने तो कभी आज तक बोला नहीं ऐसे बिना पूछे। तो साथ में ही उनका संगत जी का मैसेज आ गया कि आप उनसे सत्संग करवाइए। भाई डॉक्टर है और जनरली बिजी रहता है, तो उसको पूछा, 3-4 डेट्स दी पहले कि जो भी उसकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो भी डेट हो उस दिन सत्संग कर दे। लेकिन लास्ट में एक डेट रह गई सिर्फ, 14th of May, और उसको भी नहीं मालूम था कि 14th को उसकी छुट्टी थी, और उस प्लेटफॉर्म पर सत्संग करने के लिए भी सिर्फ मई में 14th डे ही थी उनके पास, 14th ही थी डेट। उस दिन उसने सत्संग किया। 12th को मामा को एडमिट कराया था। 12th 13th वर वेरी क्रूशियल डेज इंक्लूडिंग 14th। 14th को उनकी रिपोर्ट्स ठीक आनी शुरू हो गई। दोपहर को उनका फोन आया कि जो ऑक्सीजन मास्क उनको लगा हुआ था, उनको आउटसाइड सपोर्ट दी जा रही थी ऑक्सीजन की, उसमें से उनको गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, और 2 दिन उनको उसमें से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रही। और इधर मेरे पिताजी जो गुरुजी को इतना मानते नहीं थे पहले, उनको उनके N95 मास्क में से ही गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रही 2 दिन। उनकी कृपा से, गुरुजी की कृपा से मामा बिल्कुल ठीक ठाक घर आए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सिमिलरली लास्ट मंथ मेरे मदर इन लॉ को कोविड हो गया, फ्यू डेज बैक, और गुरुजी की कृपा से वो भी ठीक होकर घर आ गए। गुरुजी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना। जब भी हम गुरुजी के दरबार जाते थे तो गुरुजी बोलते थे, आगे नास्तिक दे न्याणे, और मुझे और मेरी सिस्टर को पूछते थे, वड्डा कौन छोटा कौन। जितनी बार हम दोनों बहनें इकट्ठे गई हैं, गुरुजी ने हमसे ये सवाल पूछा है, वड्डा कौन छोटा कौन, और मैं हमेशा बोलती थी, गुरुजी मैं वड्डी हैं ये छोटी है। और गुरुजी बोलते थे, अच्छा लगती तो ये वड्डी है। और मेरी सिस्टर हमेशा सोचती थी कि वो उसको फिजिकल फीचर दिखने वाली साइड पर ले जाती थी कि शायद मैं दिखने में ज़्यादा बड़ी लगती हूँ। जितनी बार गए गुरुजी ने यही सवाल पूछा और हमारा सेम यही जवाब था, और गुरुजी का ही वही रिमार्क था कि अच्छा लगती तो ये वड्डी है। गुरुजी की महासमाधि के बाद उसको एक टेलीपैथी हुई जिसमें उसको गुरुजी के दर्शन भी हुए, और उसको कोई प्रीवियस बर्थ के दर्शन हुए जिसमें वो बड़ी बहन थी और मैं छोटी बहन थी। उसने हम दोनों को उस बर्थ में देखा, और अगले दिन उसका मुझे फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि अब मुझे समझ में आया कि गुरुजी जब कहते थे कि वड्डा कौन छोटा कौन, वो हमारे इस बर्थ को नहीं, वो हमारे प्रीवियस किसी बर्थ को रेफर कर रहे थे। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी की कृपा हमेशा सब पर बनी रहे। एक और सत्संग शेयर करूंगी। मेरी एक फ्रेंड है जिसके फादर की डेथ हो गई थी। ये मेरे कॉलेज टाइम का सत्संग है। वो घर में सबसे बड़ी थी और फाइनेंशियली सारी की सारी फैमिली प्रॉब्लम में आ गई थी। उसके एक छोटी सिस्टर और एक छोटा ब्रदर थे। फैमिली ने लोन लेकर अभी घर लिया था और लोन की इंस्टॉलमेंट भी जा रही थी। आंटी के पेंशन नहीं लग रही थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी फाइनेंशियली।
और उसने काफ़ी जगह अप्लाई किया जॉब के लिए एज टीचर या लेक्चरर, कॉलेजेस में भी, स्कूल्स में भी, बट उसको कहीं जॉब नहीं मिली। तो एक दिन वो मेरे घर आई और हम दोनों गुरुजी के दरबार माथा टेकने गए। गुरुजी तब जलंधर में नहीं थे। गुरुजी के दरबार उसने माथा टेका और प्रार्थना करी। गुरुजी की कृपा से उसको दो स्कूल्स में एक ही दिन इंटरव्यू का कॉल आया। एक स्कूल मेरे घर के नज़दीक था और एक स्कूल वो था जिसका हमने नाम नहीं सुना था कभी भी। जो स्कूल मेरे घर के नज़दीक था, दोनों स्कूल्स में सेम टाइम पे इंटरव्यू का इंटरव्यू शुरू होनी थी। सुबह 10 बजे दोनों ही स्कूल्स में इंटरव्यू थी, लेकिन जो स्कूल मेरे घर के नज़दीक था वो काफ़ी उस स्कूल की काफ़ी मान्यता थी। तो उसने सोचा पहले यहाँ जाकर इंटरव्यू देती हूँ, अगर यहाँ बात नहीं बनेगी तो फिर दूसरी तरफ देखूँगी। सुबह 10 बजे वहाँ पहुँचे, मैं भी उसके साथ गई। वहाँ मैंने उसको गुरुजी का, जो गुरुजी ने ब्लेस करके छोटा स्वरूप दिया था, वो मेरे वॉलेट में पड़ा होता है हमेशा, तो वो उसको मैंने स्वरूप निकाल के दिया और कि तू माथा टेक ले, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले ले इंटरव्यू से पहले। उसके बाद मैं घर आ गई और मुझे भूल गया। मेरा इवनिंग कॉलेज था, तो कॉलेज जाने से पहले मुझे याद आया कि मेरे वॉलेट में तो है ही नहीं है गुरुजी का स्वरूप, और माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया कि वो स्वरूप कहाँ गया। जब मैंने उसको दिया था उसके बाद उसने वापस किया कि वो कहीं नीचे गिर गया। दोबारा वापस उसके स्कूल गई, उसको पूछा, उसने वो स्वरूप मुझे वापस किया। और मैंने उससे पूछा कि अभी दूसरी तरफ जहाँ दूसरे स्कूल में इंटरव्यू है वहाँ जाएगी या नहीं, तो उसने बोला कि वो तो आधे पौने घंटे दूर है और उसके पास कोई कन्वेंस नहीं थी, उसने सोचा कि मैं अब नहीं जाऊँगी और मैं वापस घर चली जाऊँगी, क्योंकि वहाँ भी इंटरव्यू 10 बजे शुरू हुई हुई थी। वो उसका जो स्कूल था वो मेरे कॉलेज के पास निकला और वो मेरे साथ उस स्कूल में गई। मैंने उसको उसके स्कूल में ड्रॉप किया और मैं अपने कॉलेज में आ गई। शाम को जब उसको पूछा तो पता चला कि जैसे ही उसको ड्रॉप किया वहाँ, 5 मिनट बाद उसका नाम अनाउंस हुआ और वहीं उसको जॉब मिल गई। उसकी एक कुलीग ने मेरी फ्रेंड को अपने भाई के लिए पसंद किया। उसकी शादी की प्रॉब्लम भी ख़त्म, आंटी की वो स्ट्रेस भी निकल गई। उसको गुरुजी ने 2 बेटियां ब्लेस की और वो अब परमानेंटली सेटल्ड है कनाडा में। उसने कभी गुरुजी को देखा नहीं, जस्ट एक बार गुरुजी के दरबार गई और एक ही बार जाके प्रार्थना करी, माथा टेका, और गुरुजी की इतनी कृपा, उसकी पूरी लाइफ सेट हो गई। अब सोचती हूँ, जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो यही सोचती हूँ कि ये सब गुरुजी का ही प्लान था, क्योंकि उसने वो चीज़ चुनी थी जो उसको मिलनी नहीं थी और जो गुरुजी ने उसको देनी थी, उसके लिए मुझे भूल गया कि मैंने उसको स्वरूप दिया और वापस नहीं लिया या गिर गया, जिसके पीछे मुझे वापस गुरुजी ने भेजा। गुरुजी प्लानिंग इज परफेक्ट, टाइमिंग उनकी परफेक्ट है, वो सब जानी जान है। कई बार हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है जब हमारी इच्छा होती है, लेकिन गुरुजी को मालूम है कि उन्होंने कब क्या देना है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इवन प्रोफेशनली जिस तरह से गुरुजी ने सेटल किया, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर पल हर समय संग रहने के लिए, हर पल ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत को हमेशा ही ब्लेसिंग्स देते रहिए। इस प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत शुक्राना अंकल, आपका शुक्राना सखी, आंटी का शुक्राना, एक बार फिर से सत्संग शेयर करने के लिए मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अंकल टाइम है और शेयर कर लूं सत्संग? आंटी शेयर कर सकती हैं प्लीज। ठीक है अंकल। मेरी सिस्टर को भी गुरुजी ने एक बिटिया ब्लेस करी। मेडिकली उसको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि शी विल हैव अ मिसकैरेज,
बिकॉज जो बेबी की पोजीशन है मुझे मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं आती है, लेकिन जो बेबी की पोजीशन थी वो फोर्थ मंथ में ही, सेवेंथ मंथ जितनी थी, और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि द चाइल्ड विल नॉट सर्वाइव एंड यू विल हैव अ मिसकैरेज। गुरुजी को खूब ढेर सारी सबने प्रार्थना करी और गुरुजी की कृपा से डॉक्टर्स के वर्ड में मेडिकली इम्पॉसिबल था बच्चे की पोजीशन चेंज होना। गुरुजी की कृपा से उसकी पोजीशन चेंज हुई और शी वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, जिसको सबने डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये पॉसिबल नहीं है, शी विल हैव अ मिसकैरेज। गुरुजी ने राजव को एक बार जब हम फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार गए थे शादी के बाद, तो राजव की जर्नी आपने सुनी है। पहले वो मानते नहीं थे गुरुजी में, और उस टाइम हमारा फर्स्ट टाइम जब हम गए थे, उसके बाद वापस आकर भी झगड़ा हुआ था। राजव का कहना था कि ऐसा कौन सा मंदिर है जो रात को खुलता है और सब मंदिर रात को बंद होते हैं, एंड ही सेड कि आप जाइए, आपको फेथ है आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये सिचुएशन बड़ी मुश्किल थी कि मैं जाऊं रात को और ये राजव नहीं जाए, ये थोड़ा मुश्किल सा सेंस हो रहा था, एंड बड़ा अपसेट और उदास थी। अगले दिन गुरुजी ने बुलाया राजव को, मामा जी के साथ कहीं भेजा, मुझे अंदर बुलाया, मामी जी मैं और डीजे अंकल के वाइफ अंदर थे। गुरुजी ने पूछा की कहंदा सी जोशी तेनु कल, एंड आई वॉज शॉक्ड। मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कोई कुछ क्वेश्चन आएगा। गुरुजी ने फिर से पूछा दसदी नहीं हूं की कहंदा सी जोशी तेनु कल। मुझे लगा कि गुरुजी अब आप पूछ रहे हैं तो आपको मालूम तो है ही, अब मैं क्या जवाब दूं, झूठ बोल नहीं सकती हूँ, सच बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं क्या कहूँ और कैसे एक्सप्लेन करूँ। गुरुजी ने फिर से मुझसे पूछा बोल दी नहीं हूँ। मैंने बोला गुरुजी वही जो पापा बोलते थे, बड़ी मुश्किल से ए से एच तक पहुँचे, अभी फिर से ए से शुरू करना पड़ेगा। एंड गुरुजी वॉज क्वाइट। उसके बाद गुरुजी ने नेक्स्ट डे राजीव को बहुत सारी संगत से सत्संग भी करवाया और धीरे धीरे अपने चरणों में लगा लिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। एक बार राजव की स्टमक में बहुत पेन था, हम हाईकोर्ट से सीधा गुरुजी के दरबार गए और राजव ने बोला कि नहीं मैं लंगर नहीं करूंगा आज। तो मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा सा ले लीजिए लंगर। तो मुझे नहीं मालूम था, इन्होंने मन ही मन गुरुजी से बोला कि सुना है कि आप सुन लेते हैं, आज मेरा पेट बहुत दुख रहा है, आज मैं नहीं खाऊंगा, अगर आप चाहते हो मैं खा लूं तो आप ही देखिए क्या करना है, कुछ ऐसा करके कुछ इन्होंने अपने मन में बोला। और लंगर का एक निवाला लिया तो इन्हें लगा कि पेट दर्द में काफ़ी आराम है। जहाँ ही वो सेइंग कि मैं तो बैठ भी नहीं सकता हूँ, मेरे इतना दर्द है, वहाँ जैसे जैसे लंगर खाते गए पेट दर्द बिल्कुल ठीक होता गया और खूब अच्छे से लंगर किया। सो मच सो कि इनका एक बार स्ट्रेस फ्रैक्चर था, वो भी गुरुजी की कृपा से ठीक हुआ। उस समय हमें महसूस ही नहीं हुआ, ध्यान ही नहीं आया कि ये कैसे ठीक हुआ, बाद में रियलाइज हुआ ये सब गुरु कृपा है। आईज का भी प्रॉब्लम था, वो भी गुरुजी की कृपा से ही ठीक हुई। बहुत सारी चीज़ें थी, दिक्कतें थी, जो गुरुजी की कृपा से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। हमारी गाड़ी के आगे ब्लड स्टेन्स पड़ते थे जब भी हम घर जाते थे, तो काफ़ी बार सोचा कि शायद कुछ मच्छर वगैरह गाड़ी जब चलती है तो वो लगते हैं, या कुछ काफ़ी चीज़ें सोची कि ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन क्लियर ब्लड स्टेन्स होते थे गाड़ी के आगे। तो गुरुजी को बताया तो गुरुजी ने बोला कुछ नहीं है। तो एक बार जब घर गए तो मेरे इन लॉज हाउस है जहाँ, वहाँ
काफी पीकॉक्स होते हैं, एक पीकॉक नीचे उतर के आया और पूरी गाड़ी की परिक्रमा करके ऊपर से नीचे तक और आगे से पीछे तक पूरे पंख लगाकर ऊपर उड़ गया। उसके बाद से कभी भी कोई भी ब्लड स्टेन नहीं पड़ा और गुरुजी ने मामी जी से पूछा कि हुण तां नहीं पैंदे बच्चा दी गड्डी विच गड्डी ते चिट्टे। वी अंडरस्टूड कि ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है, उन्हीं की कृपा है। मेरे मासी को आई डोंट नो, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, पर किसी ने ब्लैक मैजिक करा था जिस वजह से उनकी अराउंड 19-20 ईयर्स की एज से ही बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। साल में वो 3-4 मंथ्स बिल्कुल बेड रिडन होते थे, बेड से उठ नहीं सकते थे, वॉशरूम तक नहीं यूज़ कर सकते थे। जब से गुरुजी के दरबार गए और गुरुजी के चरणों में लगे, उनकी जो वो इतनी वर्स्ट कंडीशन थी जिसमें वो 3-4 महीने साल के, हर साल 3-4 महीने उनके ऐसे होते थे जो उठ नहीं पाते थे बेड से, यहाँ तक कि उनका बेदिंग और एब्लूशंस भी सब बेड पे ही होता था, तो गुरुजी की कृपा से उनको इतना आराम रहा, इतनी ब्लेसिंग्स मिली कि उनकी ऐसी सिचुएशन कभी नहीं हुई। थोड़ी बहुत तकलीफ रही लेकिन जो बिल्कुल बेड रिडन वाली सिचुएशन थी, वो गुरुजी ने उनको एक बार बोला था कि तू मैं ठीक करनु तो कर दूंगा, पर तू उनका नाम प्रोमिला था कि तू प्रोमिला इत्थे ही कर्म कट ला अपने, तो उन्होंने उनको इतना ठीक कर दिया गुरुजी की ब्लेसिंग से। वो इतना ठीक हो गए कि वो बेड रिडन नहीं हुए कभी भी उसके बाद, वो अपना काम खुद कर लेते थे। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, गुरुजी सब पर मेहर, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो, कुछ भूल चुक हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। शुक्राना गुरुजी। साक्षी आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी, सात संगत जी, जय गुरु जी, मंजरी आंटी, जय गुरु जी, राजीव अंकल, आपने बहुत ही सुंदर सत्संग गुरु परिवार को सुनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हर सत्संग से बहुत संदेश मिले हैं गुरु परिवार को, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु परिवार की ओर से। एनी क्वेश्चंस सत्संगत जी, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, एनीवन, एनीवन कैन रेज द हैंड्स। Over to you, Sudipta uncle. Thank you, Manjali aunty. Thank you, Rajiv uncle. Bahut bahut dhanyawad. Shukrana uncle. Shukrana Guruji. Thank you, Guruji. Jai Guruji. Jai Guruji. Over to you, Sudipta uncle. Mantra jap karenge. Ji uncle. गुरु जी की, अब हम मंत्र जाप करेंगे। गुरुजी सदा
आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी, आज्ञा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना।